आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सोप एंड डिटर्जेंट। ये टॉपिक 10th क्लास में है, 12th में है और सारे ही कॉम्पिटिटिव एग्जामों में भी इसके क्वेश्चन आते हैं। और 12th में एवरीडे लाइफ में है और 10th में कार्बोनेट्स कंपाउंड्स में आता है। तो सोप क्या होते हैं? सोप होते हैं लॉन्ग चेन फैटी एसिड। तो अगर किसी बड़ी कार्बन की चेन वाले एसिड के H को हटाकर हम Na या पोटेशियम लगा दें तो साबुन बन जाता है, ठीक है ना। अब अगर सोडियम हुआ तो हार्ड सोप बनेगा जिससे हम कपड़े धोएंगे। और अगर पोटेशियम लगाया, मतलब इसकी जगह NaOH की जगह अगर हमने KOH ले लिया होता तो बनता हमारा लक्स, नहाने का साबुन। इसको बनाते कैसे? सोप बनाने के लिए हम ग्लिसराइड लेते हैं या ग्लिसरीन के एस्टर का यूज करते हैं। जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एल्कली इसको इस जगह से ब्रेक कर देता है, ठीक है ना। एल्कली इसको इस जगह से ब्रेक कर देगा और ब्रेक कर देगा तो क्या होगा, एल्कली का Na तो जाकर O से जुड़ जाएगा और OH जाकर इससे जुड़ जाएगा। तो अब हमें दो कंपाउंड मिल जाएंगे, एक को तो हम कहेंगे ग्लिसरीन, ठीक है ना, और दूसरे पार्ट को हम क्या कहेंगे बच्चों, साबुन। अगर हमने KOH लिया तो सॉफ्ट सोप बनेगा जिसका यूज हम नहाने में करेंगे। और अगर हमने सोडियम NaOH डाला, सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा, तो हमें मिलेगा कपड़े धोने का साबुन जिसको हम कहेंगे ओसवाल साबुन या काला साबुन। अब ये जो साबुन है, ठीक है ना, ये लिक्विड फॉर्म में है तो इसको प्रेसिपिटेट करने के लिए हम इसमें NaCl मिला देंगे। जैसे हम इसको NaCl मिलाएंगे तो देखो ये Na और ये Na कॉमन है। जब भी ऐसा होता है तो रिएक्शन पीछे भागती है और सोप सॉलिड स्टेट में आ जाएगा, तो जम जाएगा जिसको हम काट कर केक बनाकर बाजार में बेच देंगे। आप बच्चों इसको घर पे भी बना सकते हो। वेजिटेबल ऑयल, मतलब सरसों के तेल में अगर हम थोड़ा सा कास्टिक सोडा मिलाकर रख दें और सुबह देखें तो हमको मिलेगा साबुन, और जिससे हम धोएंगे कपड़े। अब हम चलते हैं आगे कि जो सोप है वो सोप हार्ड वाटर में काम क्यों नहीं करता है, ठीक है ना, जबकि डिटर्जेंट काम करता है। तो देखते हैं क्यों सोप हार्ड वाटर में काम नहीं करता। तो बच्चों क्या होता है कि हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम मिला हुआ होता है, ठीक है ना। तो हम देखते हैं आगे, सोप हार्ड वाटर में काम क्यों नहीं करता। हार्ड वाटर में या तो मैग्नीशियम होगा या फिर कैल्शियम होगा, ठीक है ना। तो जैसे ही हम साबुन को हार्ड वाटर में कपड़े के ऊपर लगाएंगे तो हार्ड वाटर में मैग्नीशियम इस सोप के साथ में जुड़ जाएगा और Na बाहर आ जाएगा, या कैल्शियम जुड़ जाएगा और Na बाहर आ जाएगा। अब ये क्या है, इनसॉल्युबल हो जाता है तो वाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा। तो जितना भी साबुन हम कपड़े पर लगाएंगे वो सारा का सारा साबुन कैल्शियम और मैग्नीशियम को हटाने में ही यूज हो जाएगा और गंदगी से रिएक्ट नहीं कर पाएगा, इसलिए साबुन हार्ड वाटर में काम नहीं करता है। तो अब कैसे बचे? तो इससे बचने के लिए हमने बनाया डिटर्जेंट, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे डिटर्जेंट क्या होता है, ये कितने टाइप का होता है और डिटर्जेंट को साबुन के ऊपर प्रेफरेंस क्यों देते हैं या डिटर्जेंट साबुन से अच्छा क्यों होता है। डिटर्जेंट को हम सोपलेस साबुन भी कहते हैं, मतलब इसमें साबुन नहीं होता है। अब आया डिटर्जेंट होता क्या है। डिटर्जेंट होता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है ना, मतलब बेंजीन के ऊपर SO3H लगा दें तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाता है। तो लॉन्ग चेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड या फिर सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। मैं दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद इसकी स्ट्रक्चर होती क्या है, कैसे बनता है। अब डिटर्जेंट के फायदे क्या है, डिटर्जेंट हार्ड वाटर में भी काम करता है। दूसरी बात, ये 10th क्लास के और सभी ग्रेड के बच्चों के लिए, मतलब 12th ग्रेड और कॉम्पिटिटिव सबके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि
अगर डिटर्जेंट स्ट्रेट चेन हुआ तो फिर बायोडिग्रेडेबल होगा, और अगर उसमें ब्रांच्ड होंगी तो फिर वो नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब डिटर्जेंट कई टाइप के होते हैं, एक एनायनिक, दूसरा कैटायनिक और तीसरा नॉन आयनिक, पर 10th क्लास के बच्चों के लिए सिर्फ एनायनिक ही कोर्स में है, तो 10th क्लास के बच्चे केवल एनायनिक ही देखें, ठीक है। हम चलते हैं स्ट्रक्चर। डिटर्जेंट बनाने के लिए हम सबसे पहले अल्कोहल लेते हैं और अल्कोहल की रिएक्शन H2SO4 से करा देते हैं, और ये H2SO4 डाइल्यूट होता है तो ये H, ठीक है ना, और इसका H या ये OH और एसिड का H निकल जाता है, H2O बन जाता है और हमको मिल जाता है लॉरायल हाइड्रोजन सल्फेट। और लॉरायल हाइड्रोजन सल्फेट क्या है, एसिडिक नेचर का है, तो जब हम इस बेस से रिएक्ट करेंगे तो SO3H का H हटकर Na लग जाएगा, तो बच्चों क्या बन गया, लॉन्ग चेन फैटी एसिड। अब दूसरा है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, तो बेंजीन में आप देखो पीछे 12 कार्बन की चेन जुड़ी हुई है और ये एक सिंपल बेंजीन है। जब हमने H2SO4 से रिएक्शन करी तो यहाँ SO3H लग गया और पहले की तरह Na ने H को रिप्लेस कर दिया, तो हमें मिल गया डिटर्जेंट। अब बच्चों ये एनायनिक है कैटायनिक, तो आप देख सकते हैं जो डिटर्जेंट का बड़ा वाला पार्ट होता है, तो बड़ा पार्ट कौन सा है, यहाँ से ये टूटा है Na प्लस और SO3, तो आप देख सकते हैं बड़े वाले पार्ट पर कैसा चार्ज है, बड़े वाले पार्ट पर नेगेटिव चार्ज है, इसलिए हम इसको कहेंगे एनायनिक डिटर्जेंट, ठीक है। दूसरी कैटेगरी आती है कैटायनिक डिटर्जेंट। कैटायनिक डिटर्जेंट के बड़े वाले पार्ट पर पॉजिटिव चार्ज होगा, और इसमें एक खास बात क्या है, ये जर्म्स को भी किल कर सकता है, इसलिए ये थोड़ा महंगा आता है और इसको डाइज वगैरह में यूज करते हैं, या फिर डॉक्टर वाली जो कॉटन होती है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। आप देख सकते हैं ये है कैटायनिक डिटर्जेंट, ठीक है ना। कैटायनिक डिटर्जेंट के ऊपर आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव चार्ज है और Cl पर नेगेटिव चार्ज है, तो जिस पार्ट पर, बड़े पार्ट पर अगर पॉजिटिव हुआ तो कैटायनिक डिटर्जेंट, और नेगेटिव हुआ तो फिर उसे कहेंगे एनायनिक डिटर्जेंट। और अब हम चलेंगे तीसरा पार्ट जिसको हम कहते हैं नॉन आयोनिक डिटर्जेंट। नॉन आयोनिक डिटर्जेंट बच्चों आपने देखा होगा कि हम बाथरूम में या फिर रसोई में लिक्विड सोप यूज करते हैं हैंड वॉश के लिए और बर्तन धोने के लिए, तो वो होता है नॉन आयोनिक डिटर्जेंट। नॉन आयोनिक डिटर्जेंट बनाने के लिए हम इस एसिड की रिएक्शन पॉलीथाइलीन ग्लाइकॉल से करते हैं, तो पॉलीथाइलीन ग्लाइकॉल कैसे रिएक्शन करेगा, एसिड का तो एच और इसका OH दोनों मिलकर H2O निकाल देंगे, और दोनों कंपाउंड आपस में देख सकते हैं जोड़ जाएंगे, ठीक है ना। स्टेरिक एसिड में कितने कार्बन थे, 16 और एक 17 और टोटल 18 कार्बन, तो ये हो गया और बाकी ये नीट में भी आ चुका है, ठीक है ना, और इसको कहते हैं नॉन आयोनिक डिटर्जेंट, ठीक है ना। डिटर्जेंट क्यों अच्छा होता है फिर से देख लेते हैं, ये हार्ड वाटर में काम करता है, इसको एसिडिक मीडियम में भी यूज करते हैं, और ये साबुन से ज्यादा अच्छी सफाई करता है। हम चलते हैं, हम पढ़ेंगे क्वेश्चन कि बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट्स क्या होते हैं और उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि अगर डिटर्जेंट को बैक्टीरिया ब्रेक कर दें तो ऐसे डिटर्जेंट को हम बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट कहते हैं, ठीक है ना, और जिसको नहीं कर पाए उसको हम क्या कहेंगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट। अब हमारे पास क्वेश्चन आएगा कि बायोडिग्रेडेबल के लिए उसके पास क्या होना चाहिए, तो बायोडिग्रेडेबल के लिए स्ट्रेट हाइड्रोकार्बन की चेन होनी चाहिए, अगर ब्रांच्ड हुई तो फिर वो नॉन बायोडिग्रेडेबल हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के भी लाइक है और 10th क्लास में भी आता है कि बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट के लिए क्या जरूरी है, तो उसके लिए जरूरी है स्ट्रेट चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन। अब हम देखेंगे कि साबुन और डिटर्जेंट सफाई कैसे करते हैं,
तो हम देखते हैं डिटर्जेंट और सोप सफाई कैसे करते हैं। तो डिटर्जेंट और सोप का काम होता है गंदगी को हटाना, और ये इमल्सिफिकेशन पर बेस्ड है। इमल्सिफिकेशन का मीन्स होता है ऑयल और वाटर को मिलाने के लिए डिटर्जेंट का यूज करते हैं। अब हम देखेंगे साबुन कैसे या डिटर्जेंट कैसे कपड़े को धोता है। तो आप देख सकते हैं डिटर्जेंट या साबुन में ये लंबी कार्बन की चेन होती है जो हाइड्रोफोबिक नेचर की होती है। हाइड्रो का मीन्स है वाटर और फोबिक का मीन्स है हेट, जो पानी से दूर भागती है और किस में सॉल्युबल होगी बच्चों, ऑयल में। जबकि डिटर्जेंट का जो फ्रंट पार्ट होता है या एनायनिक पार्ट SO3 वाला या कोई और, वो हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है और जो वाटर में सॉल्युबल होता है, अब हमने क्या किया, इस डिटर्जेंट को पानी में घोल दिया। पानी में घोल देंगे तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, कैसे, SO3 नेगेटिव और Na पॉजिटिव, ठीक है ना। अब बच्चों पानी में ये हाइड्रोफोबिक एंड पानी से अपने आप को कैसे बचाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बचा। तो जब हम डिटर्जेंट को बकेट में या पानी में डालेंगे तो ये हाइड्रोफोबिक एंड अपने को कैसे बचाएगा। इसका एक तरीका तो बच्चों क्या है कि डिटर्जेंट का हाइड्रोफोबिक एंड बाल्टी से बाहर लटक जाए और हाइड्रोफिलिक एंड अंदर चला जाए। पर आपने देखा होगा बाल्टी से कभी भी डिटर्जेंट का मॉलिक्यूल बाहर लटका हुआ दिखाई नहीं देता है। तो आप कैसे बचाएंगे इसको, तो बच्चों जो गंदगी होती है वो कैसे बनती है, पहले कपड़ों के ऊपर ऑयल जम जाता है और उस ऑयल में मिट्टी वगैरह जम जाती है। तो अब जैसे ही हम गंदा कपड़ा उसमें डालेंगे, ठीक है ना, तो गंदे कपड़े में क्या लगी हुई है, गंदगी, और गंदगी किससे बनी है, ऑयल से। तो जो डिटर्जेंट का हाइड्रोफोबिक या ऑयल सॉल्युबल पार्ट है वो अपने आप को बचाने के लिए उस गंदगी पर टूट पड़ेंगे और सारे डिटर्जेंट के हाइड्रोफोबिक और ऑयल फिलिक एंड जाकर इस गंदगी से जुड़ जाएंगे और एक स्ट्रक्चर बन जाएगी। इस स्ट्रक्चर को हम माइसेल या मिसेल कहते हैं। तो 10th क्लास से लेकर 12th तक और नीट सब में आता है कि मिसेल कैसे बनाएंगे। तो बच्चों मिसेल कैसे बनाएंगे, जब हम डिटर्जेंट या सोप को पानी में घोलते हैं तो डिटर्जेंट का हाइड्रोफोबिक एंड जाकर ऑयल और गंदगी से जुड़ जाता है और इस कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर को हम माइसेल या मिसेल कहते हैं। अब जब हम इस गंदे कपड़े को पीटेंगे या वॉशिंग मशीन में डालकर घुमाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी की वजह से ऑयल और पूरा साबुन ये बाहर चला जाएगा। अब 12th के बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट बात कि बच्चों ये तो गंदगी तो ऑयल थी और ये पानी था, तो डिटर्जेंट के एक एंड ने तो ऑयल को पकड़ लिया और दूसरे एंड ने वाटर के साथ में बॉन्ड बना लिया, ठीक है ना। तो इस प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन कहते हैं। अब इसके कई अच्छे यूज भी हैं और मिस यूज भी हैं। तो आजकल क्या है, डेयरी वाले दूध को ज़्यादा समय तक स्टोर करने के लिए क्या करते हैं कि दूध में शैम्पू और डिटर्जेंट मिला देते हैं, क्योंकि डिटर्जेंट भी हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक से बना होता है जिससे दूध ज़्यादा समय तक डेयरी में स्टोर किया जा सकता है। अब थोड़ी ज्ञान की बातें कि हम पियर साबुन कैसे बनाते हैं। अगर हम लक्स साबुन को लें और अल्कोहल में बॉईल करने से साबुन ट्रांसपेरेंट हो जाता है और उसमें ग्लिसरीन मिला दें जो हमने शुरू में निकाली थी तो हमको पियर्स मिल जाएगा। अब कोई बच्चा बोले मैं तो डब ही बनाऊंगा, DOVE, तो डब साबुन बनाने के लिए क्या करेंगे, हम लक्स साबुन में थोड़ी क्रीम और मिला देंगे, मतलब ऑयली सब्सटेंस एक्स्ट्रा डाल देंगे जिससे हमें मिलेगा डब साबुन।
एक इम्पॉर्टेंट बात और कि जब हम सर्दियों में कपड़े धोते हैं, जब हम सर्दियों में कपड़े धोते हैं तो गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ठंडे पानी में डिटर्जेंट ज़्यादा टूटता नहीं है। तो जिस टेम्परेचर पर डिटर्जेंट पूरा टूट जाता है उसको हम क्राफ्ट टेम्परेचर कहते हैं, तथा माइसेल बनाने के लिए जो मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है उसको हम क्रिटिकल माइसेल कॉन्सेंट्रेशन भी कहते हैं। ये ट्वेल्थ के और कॉम्पिटिटिव के एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। सेम टॉपिक मैंने सरफेस केमिस्ट्री में भी डिस्कस किया हुआ है, तो आप वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बोर्ड में और नीट में, जेई में सेलेक्ट होकर दिखाएं।